दोस्तों, प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है, प्यार भरा नमस्कार है। ईश्वर की कृपा आप सभी प्यारे मित्रों पर बरसती रहे। दोस्तों, ऐसी हमारी शुभकामना है और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से आप सभी के लिए रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ ज़्यादा होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। और जिसको हम दोस्तों सपनों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि सपने भी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने कल के भविष्य के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, अगर पानी नदी आपने सपने में देखा है तो उसका क्या फल आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, शायद कोई भी मनुष्य ऐसा होगा जिसने सपना कभी ना देखा होगा, और मनुष्य का जो जीवन है वो सुख दुख से भरा हुआ वैसे सबका होता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अधिक सुख दुख आते हैं। तो दोस्तों, सपना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कल के बारे में पता लगा सकते हैं। जो प्रातःकाल का स्वप्न होता है तो दोस्तों वो जरूर सच होता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित है। तो दोस्तों, अगर सब स्वप्न में आपने देखा है कि नदी में बाढ़ आई है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में दुख आने का संकेत है। आपको कोई जल्दी ही बुरा समाचार या बैड न्यूज़ आपको जो है मिलने वाली है, जिससे आप परेशान होंगे, और या आपका कहीं मन मुटाव हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, किसी ना किसी रूप में आपको दुख जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, अगर बारिश की बूंदों को स्वप्न में आपने देखा है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों मेरे, अगर आपने बारिश की बूंदें देखी हैं, थोड़ा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी अभी तक समस्याएं चल रही थी उनसे आपको निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सपने में आपने स्वच्छ पानी नदी में देखा है तो दोस्तों ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने अगर दिख रहे हैं तो आपकी जो अभिलाषा है, जो आपकी कामना है दोस्तों, वो शीघ्रातिशीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर समुद्र में आपने देखा जल भरा हुआ है, आपको दिख रहा है, तो दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी तो आएगी लेकिन उससे निजात मिलेगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर सपने में आपने कहीं भी स्वच्छ पानी रखा हुआ देखा है तो इसका मतलब आपकी सफलता जल्दी ही कदम चूमेगी, आपके लक्ष्य आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर स्वप्न में आपने गंदा और दूषित पानी देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, और आप अभी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये तो थोड़ा बुरा है। लेकिन दोस्तों, अगर सपने में आपने उबलता खोलता हुआ पानी अगर आपने देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको अभी पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने देखा कहीं ऊंची जगह से पानी गिर रहा है तो इसका मतलब बीमारी से है। दोस्तों, आपको बीमारी हो सकती है कोई, अगर आपने सपने में पानी लहरें अगर देख रहे हैं सुनाई दे रही, तो दोस्तों आपकी जो ज़िंदगी है वो सुखमय होगी। और दोस्तों, अगर सुनामी, तबाही या बहुत पानी दिख रहा है, आपको आपदाएं दिख रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में अभी बहुत दुख आने वाला है, और कोई ऐसा दुख आएगा जिसके कारण आप बहुत परेशान होंगे और आप दुख से भर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है, और धीरज धर्म मित्र अनुहारी आपदकाल परखेचारी, धैर्य अगर विपत्ति में कोई बनाए रहता है तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। तो दोस्तों, आप अगर बड़े बड़े संकटों को सहने की सामर्थ्य रखते हैं, आप नहीं बदलते हैं, परेशानियां चाहे अवस्थाएं परिवर्तन कैसा आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन आप यूं ही मुस्कुराते रहते हैं, तो सच मानिए आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि हम तो वही रहते हैं और परेशानियां आकर चली भी जाती हैं, कितने गम आए कितने खुशी आए, ये सब टिकने वाले नहीं होते हैं। हमारा शरीर, हमारा स्वरूप, इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वो बिछड़ने के लिए मिला है, और जहां भी खुशी मिलती है वहीं से गम भी मिलता है, उसी से जिससे हमें सुख मिलता है उसी से हमें दुख भी मिलेगा और मिलता आ रहा है, यही जीवन का सच है। तो दोस्तों, जो भी हमारे कर्म हैं वो हमारे प्रारब्ध बनकर आते हैं, लेकिन उन प्रारब्ध को, उन सुख दुख को हम जान नहीं पाते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सपना एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सपने में नदी इत्यादि देखने का शुभाशुभ परिणाम, लेकिन और भी हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।